40 साल का आतंक 44 सेकंड में खत्म हो गया। जानकारी दूं आपको, प्रयागराज का चकिया जगह, जहां से वो नाम जो कि जुर्म की दुनिया का बादशाह आतिक अहमद, कल इसी चकिया के कब्रिस्तान में उनको जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया। तमाम कवरेज मीडिया की लगातार टीम कवरेज कर रही है और आज भी जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती है। और जो तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे वो मोहम्मद इमरान का घर का, जो कि देखिए तस्वीर जो है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चला है और इस घर को नष्ट कर दिया गया है। यानी कि जानकारी दूं आपको कि बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ, यानी कि वो न किसी को छोड़ते हैं न किसी को बकसते हैं। ऐसे में जो भी अपराधी अपराध करने वाले होंगे उन्हें बख्शते नहीं हैं। विद इन 24 घंटे के अंदर में जुल्म करने वाले उस अपराधी को जेल की सलाखों के अंदर में डालते हैं। देखिए अब आपको दिखाएंगे तस्वीर इस बिल्डिंग का, जो कि इस बिल्डिंग को इस तरीके से ध्वस्त किया गया है जो कि दोबारा ये रिपेयर नहीं हो सकता, बस इस जगह को पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। ये जगह जो देखिए जितने भी सरिये दिखाई दे रहे हैं वो निकले हुए हैं इस बिल्डिंग के। अब ये आतिक अहमद का जो शारू, उन्हीं का ये बिल्डिंग है। बड़े एकड़ में ये जगह है जिसको हर तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और परिवार वाले भी इस समय फरार चल रहे हैं। देखिए तमाम ये जो चौराहा है इससे 50 मीटर की दूरी पे आतिक अहमद का घर है, जहां से करीब 1 किलोमीटर के बगल में कब्रिस्तान है जहां पे कल दफनाया गया आतिक अहमद को। आतिक अहमद के साथ उनके भाई, जो उनको दोनों को जो है मतलब कि 3 से 4 यंगस्टर अपराधी जो है लगातार 15 राउंड फायरिंग करके उनको भून डाला और 44 सेकंड के अंदर में ही खत्म हो गया आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ का ये आतंक। और जानकारी दूं कि उनके जो शार्प शूटर जो थे गुड्डू मुस्लिम, वो भी फरार चल रहे हैं, लेकिन उनके तमाम ठिकाने पे हर जगह बुलडोजर चलाया गया है। देखिए किस तरीके से ये जगह जो है तस्वीर दिख रही है, उस तस्वीर में जो झंडे दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस का झंडा दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं आतिक अहमद और आतिक अहमद के गुर्गे यानी गैंगस्टर सभी राजनीतिक महकमे से जुड़े हुए थे और राजनीतिक वो जो मतलब कि पराह होता है वो था। और ये चाहे वो सपा की सरकार हो, अभी देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में इन सभी लोगों को, गैंगस्टर को नष्टनाबूद कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। अब देखिए जानकारी दूं आपको कि ये जो घर है, घर के जो इस तरीके से पूरा मतलब कि जो सीढ़ी नुमा जगह देख रहे होंगे आप, कि उस तरीके से बुलडोजर चलाया गया है कि इसको आप बयां नहीं कर सकते हैं। और जस्ट बगल में ही आतिक अहमद का घर के हर एक ईंट को छुरा लिया गया है, यानी कि चकिया का जगह जो काफ़ी सेंसिटिव जोन है, अभी भी तमाम लोग इस जगह पे खड़े हैं, जगह जगह पुलिस की मॉनिटरिंग है और सेंसिटिव जोन बना हुआ है। एक बार दूर से कैमरा फ्लैश कीजिएगा दूर जा करके, कि इस ईंट और इस सरिये से बहुत कुछ बयां हो रहा है। देखिए तस्वीर में इस सरिये को देखिए और इस ईंट को देखिए, यानी कि अपराधी और अपराध करने वाले जो भी जुल्म करने वाले लोग हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं जब से योगी आदित्यनाथ इस पर में लगातार फोकस किए हैं तब से अपराधी जो है सरेंडर हो गया है। और ऐसे में आतिक अहमद को जिस तरीके से और उसके भाई अशरफ को जिस तरीके से मौत घाट उतारा गया है, उस फर्जी पत्रकार के रूप में जो शूटर शूट किया था, वो कहीं ना कहीं वो भी नेम फेम प्राप्त करने के लिए किया था, लेकिन कानून के अगेंस्ट में उन्होंने ये काम किया। और बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ पे भी पड़ गया, जो कि रात भर मीटिंग की गई है और अभी भी पूरे इस यूपी के अंदर में और पूरे इस प्रयागराज के अंदर में पुलिस और प्रशासन का पूरा चाक चौबंद, हाई अलर्ट सिक्योरिटी 144 लगा दी गई है। बता दें आपको कि इंटरनेट सेवा रद्द कर दी गई है, 24 घंटे नहीं 48 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। तस्वीर लगातार हम दिखाना प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए हम आतिक अहमद के घर पे जाएंगे कब्रिस्तान में, कल रात सुपुर्द खाक कर दिया गया, वहाँ भी जगह से थोड़ा लोकेशन लेंगे, वहाँ भी जगह लोगों से बात करेंगे और जो अपडेट्स होगा, कई सारे मुकदमे हैं, कई सारे केसेस हैं। उमेश पाल जो गवाह था उनको मर्डर किया गया था यही गुड्डू मुस्लिम के द्वारा, वो फरार चल रहे हैं। तमाम सारी तहकीकात करेंगे, कई सारे अपडेट देंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ, कैमरा मैन राइस के साथ, मैं भी पूजा प्रयागराज।